नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ कि Vivo Y31 मोबाइल में आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं या फिर कैसे सुन सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की पूरी सेटिंग बताने वाली हूँ। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, चले जाना है डायल पैड पे। तो डायल पैड पे मैं आपको एक नंबर दिखा देती हूँ, जैसे कि कोई भी नंबर आप डायल करते हैं तो यहाँ पे मैनुअली रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करके इसको रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड का ऑप्शन, मतलब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको बंद कर देते हो तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बार बार कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ना दबाना पड़े, आपकी ऑटोमेटिकली सभी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए, तो यहाँ पे इसके लिए आपको चले जाना है 3 डॉट पे और कॉल सेटिंग पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे रिकॉर्ड सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली का ऑप्शन देखने को मिला हुआ है, सॉरी ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं हो रही है आपकी। रिकॉर्ड ऑल कॉल्स पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी जो नंबर सेव है, जो नंबर नहीं सेव है, मैटर नहीं करता है, सारे नंबर्स की यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ चुने हुए नंबर्स की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड सिस्टम रिकॉर्ड कस्टम कॉल्स ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे और कस्टम पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्लस का निशान है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आप सेलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे तो वो नंबर आपका ऐड हो गया है। और जब इस बंदे की कॉल आएगी ना तो सिर्फ इसी की कॉल रिकॉर्ड होगी और किसी की नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं। कस्टम तो मैंने आपको सिखा दिया है, अब यहाँ पे मैं ऑटो वाला कर देती हूँ और इसके बाद कोई भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे इसको कट कर देंगे। और अब बात रहेगी इसको सुने कैसे, कॉल रिकॉर्डिंग तो कर ली है, अब इसको सुनना है। तो इसके लिए आपको ये जो फाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है ना, ये गूगल की तरफ से दिया जाता है, तो फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अगर आपका इस वाले सेक्शन पे क्लिक है तो आप यहाँ पे बीच वाले पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑडियो वाला सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग आपकी हो रखी है, आप इस पर क्लिक करके इसे सुन सकते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सुन लीजिएगा, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।